सब्सक्राइब कीजिए ऑटो तत्व को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट ऑटोमोटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स हैपनिंग गाइस? गाइस थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप स्कूटर पिक्स के बारे में। वो वीडियो आप में से कई लोगों को बहुत पसंद आया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो वीडियो आपको में से बहुत लोगों को पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाता हूं टॉप 125 सीसी बाइक पिक्स के बारे में। ये बाइक्स दोस्तों मुझे बहुत पसंद आए और मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट में हैं एक 125 सीसी बाइक की तलाश में, तो आपको डेफिनेटली ये बाइक्स जो है चेकआउट करना चाहिए। दोस्तों, ये जो 125 सीसी का बाइक स्पेस है, इसमें यूजुअली लोग जो है तीन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं बाइक लेते वक्त। सबसे पहली बात तो दोस्तों एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और साथ में रिलायबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी इस 125 सीसी कम्यूटर बाइक सेगमेंट में बाइक ले रहे होते हैं वो ज्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड मशीन्स तो नहीं ढूंढ रहे होते, बट उनको एक ऐसा मशीन चाहिए होता है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, और सबसे बड़ी बात उसकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी जो है अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइक जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो इंडिया में 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट सेलर रहा है और आता है जापानीज बाइक मेकर होंडा की तरफ से। सबसे पहली बाइक जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है होंडा की सीबी शाइन एसपी। अब दोस्तों एसपी जो है ये बेसिकली होंडा के रेगुलर शाइन का ही एक अपडेटेड वर्जन है। ये बाइक आपको अपडेटेड लुक्स के साथ आती है और साथ ही कुछ मैकेनिकल चेंजेस के साथ काफी ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक्स के साथ आता है विद अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस। अगर इंजन की बात की जाए तो इसमें वही सेम 125 सीसी का इंजन यूज किया जाता है जो तकरीबन 10.18 बीएचपी की पावर देता है और 10.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग हमेशा से ही अच्छी रही है और ये जो इंजन है ये काफी ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोवेन इंजन है। हाँ, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि रेगुलर शाइन में आपको 4-speed गियरबॉक्स मिलता है, लेकिन शाइन एसपी में आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलता है। ओवरऑल अगर हम इस बाइक की बात करें तो इसकी राइड क्वालिटी अच्छी है, इसके इंजन जो है काफी ज्यादा ट्राइड टेस्टेड और प्रोवेन इंजन है, अच्छी एफिशिएंसी देता है। हायर स्पीड में आपको थोड़ी सी वाइब्रेशंस जो है हैंडल बार में महसूस हो सकती है, लेकिन सिटी में इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी है। बाइक जो कि है हीरो की ग्लैमर। अब दोस्तों ग्लैमर मार्केट में काफी टाइम से है, लेकिन ये वाली जो ग्लैमर है ये होंडा से अलग होने के बाद हीरो की एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट है। ये बाइक जो है काफी बेहतरीन लुक्स के साथ आता है और साथ ही आता है कुछ अच्छे फीचर लिस्ट के साथ। इसमें आपको हीरो का i3s स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, LED टेल लैंप्स वगैरह मिल जाएंगे और ये बाइक जो है इसकी ओवरऑल डिजाइन काफी प्रीमियम और स्पोर्टी है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक 124.7 सीसी का इंजन जो तकरीबन 11.4 बीएचपी की ताकत देता है, और ये बाइक इन तीनों बाइक्स जो मैं अभी आपसे मेंशन करने वाला हूँ और इनफैक्ट पूरे 125 सीसी स्पेस में सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है। इसके टॉर्क फिगर्स भी काफी अच्छे हैं जो कि तकरीबन 11 न्यूटन मीटर की है। इसकी जो राइड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस वहीं मिलेंगे, इंजन के रिफाइनमेंट भी अच्छी है और जाहिर सी बात है इन सब के साथ जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी अच्छी आपको मिल जाएगी इस बाइक में। दोस्तों हीरो का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, हर जगह आपको हीरो का एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर हम नए वाले ग्लैमर की बात करें तो ये बाइक जो है काफी अच्छे इंजन के साथ आता है, अच्छी डिजाइन, अच्छी राइड क्वालिटी, इसकी जो नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल है वो भी वेल कंटेन्ड है, आपको ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह इस बाइक में पता नहीं चलेंगे। इसकी सिटी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही अपने ये पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक। लास्ट बाइक पिक पे जो कि है बजाज की V12। अब दोस्तों V12 जो है ये वही V15 जो कि INS विक्रांत के फौलाद से बना हुआ है उसी का ही एक छोटा सा वर्जन है। दिखने में तो दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़े थोड़े आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि V15 में आपका जो फ्रंट मडगार्ड है वो बॉडी कलर्ड है, लेकिन V12 में जो फ्रंट मडगार्ड है वो ब्लैक कलर का है। इसके अलावा ओवरऑल जो दोनों बाइक से बिल्कुल सेम दिखते हैं। इसका जो इंजन है दोस्तों ये एक नया इंजन है जो तकरीबन 10.5 बीएचपी की पावर
पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इस इंजन के रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस अच्छी है और सिटी में खासकर ये बाइक जो है बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। हाँ, लेकिन इस बाइक की जो ब्रेक्स की बाइट है वो आपको थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन ओवरऑल इसकी सिटी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसकी सीट जो है वेल कुशन्ड है और आपको एक काफी अच्छा आरामदायक राइडिंग पोजिशन जो है ये बाइक देता है। साथ ही दोस्तों, क्योंकि ये INS विक्रांत के मेटल से बना है तो इसमें एक प्राइड भी एसोसिएट हो जाता है, और अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छे लुक्स भी दे दे, अच्छी रिफाइनमेंट भी दे दे और साथ ही एक यूनिकनेस आ जाए, तो यह बाइक आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऑटोमोटिव की दुनिया से वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, और साथ ही आप मेरे ऑटो तत्व के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जाने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।